तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। सबसे पहले मैं फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन देता हूँ, फॉर्मूला को बनाना कैसे है। ठीक है, ठीक है। किसी फॉर्मूला को समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर भी जानना होता है। देखिए दो तरह से फॉर्मूले आप लगा सकते हैं इसमें, या तो आपकी खुद भी मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट इस रेफरेंस को इसका मल्टीप्लिकेशन ले सकता हूँ। और दूसरी चीज है कि मैं किसी फॉर्मूला के थ्रू काम खुद कर दे, खाली मैं वैल्यू पास करूँ। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पास कर दिया ना, ये भी चाहिए। तो देखते हैं कि फॉर्मूला स्टार्ट कैसे किया जाता है। दो फॉर्मूला स्टार्ट करने का तरीका है, एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इक्वल टू लिख के कोई भी फॉर्मूला लिखता हूँ तो मैं प्लस करके भी कोई भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ और माइनस करके भी कोई भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ठीक है जी, प्रॉब्लम होती है अगर हम माइनस से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इस तरह से करता हूँ, पहली वैल्यू माइनस में बदल जाती है। ठीक है जी, वैल्यू आनी हो तो माइनस में बदली आती है। अब इक्वल टू और प्लस का यूज कर सकते हैं फॉर्मूला स्टार्ट करने के बाद। जो हम जैसे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, कोई रिफरेंस ले लिया, प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं इन चीजों को कहते हैं। अभी जो अकादमी का सेम मॉडल है, मैंने दूसरी प्लस ये प्लस ये, तो इनको कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर होते हैं मैथमेटिकल, लॉजिकल और टेक्स्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर में आपका होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पावर के लिए यूज होता है। दो मिनट पहले एक और पावर एक दो ऑपरेटर तो अगर आपको जैसे प्लस करना है तो आप इक्वल करा के रिफरेंस सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मूव करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑपरेटर लगाएंगे, ये तो आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। लेकिन यहाँ पर दो पावर क्या देते हैं, दो पावर पावर के लिए क्या लगाते हैं, करेंट लगाते हैं। और ये करके तो ऑपरेटर आपको मिल जाएगा। ये दो की पावर कितना हो जाता है नंबर। तो इस तरह से बोलने के लिए जिसको देना है ऐसा बोलने का रखियो। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लेकिन मेरी बात वो कौन फंक्शन जा रही हो भी के पास में आया नहीं था, इसलिए 500 रुपए का लस ये गिफ्ट है और वो बड़ा रुपया किसको ग्रेटर देन मुझे कितना का ग्रेटर देन इक्वल टू less than equal to or not equal to ऐसा है हीरो ने तो क्या ना हीरो ने तो उसको राइट मुड़ेगा। ठीक है, आपको उल्टा जाना पड़ता है, राइट जब से रहो हीरो से पूरा उल्टा मुड़ेगा, उल्टा जाएगा तो आप राइट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा अंदर अंदर जाने के बाद सीधे आपके पे सेकंड राइट करना है। ठीक, वहाँ पर एक पॉली है ये वाला, हाँ तो लेने से चुना पर ये और नॉट इक्वल। के पास कई बार हमें सिर्फ पता करना होता है कि वापसी आएगा चौक के ऊपर यही मान लीजिए ये मुझे लॉजिकल ऑपरेटर करना है, लॉजिकल ऑपरेटर मुझे सिर्फ ये पता करना है कि 20-30 से बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला स्टार्ट कर सकता हूँ ग्रेटर देन ये वहाँ पर है 20 मतलब तो ट्रू हो जाता
वही चार्ट है वो चला सके। तो इसी तरह से ऑपरेटर है, अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वल टू दोनों बराबर है, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा और ट्रू दे देगा। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हो जाता है कि या तो उससे बड़ा हो या उससे बराबर हो, उसमें क्या दे देता है ट्रू दे देता, नहीं लगाया होता तो क्या दे देता फॉल्स दे देता बराबर होने। इसी तरह से आपका लेस देन है, आप लेस देन चेक कर सकते हैं, लेस देन अगर छोटा है तो हाँ छोटा हो गया तो ट्रू आ गया। इसी तरह लेस देन इक्वल टू है, बराबर होने की सूरत में ट्रू दे देता। ठीक है, एक हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन लेस देन का कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, तो ये चेक करता है कि ये वैल्यू क्या इसके बराबर नहीं है, तो ट्रू आता है तो बराबर नहीं है, फॉल्स आता है तो बराबर है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं क्योंकि ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट में एक ही ऑपरेटर है खाली, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, एंड का साइन होता है, मैंने नाम लिखा अलग अलग, अब मुझे एक ही सेल में दोनों को ज्वाइंट करना है तो मैं क्या करूंगा इक्वल टू लगाऊंगा, पहली सेल को सिलेक्ट किया कंकैटिनेशन ऑपरेटर दबाया, दूसरी को सिलेक्ट किया तो इसको इकट्ठा करके दे दिया है इन जगह। मान लीजिए मुझे स्पेस देना था बीच में तो मैं क्या करूंगा कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगा रखते हैं, कोई भी हमें फॉर्मूला में जो टेक्स्ट एंटर करना होता है, नंबर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर करना होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के साथ करना होता है, लगा के मैंने स्पेस दे दिया और फिर से मुझे कंकैटिनेशन ऑपरेटर देना होगा, हर एक वैल्यू के बाद ये ऑपरेटर आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये थे आपके ऑपरेटर्स जो हमारे फॉर्मूला के अंदर यूज होते हैं। अब देखते हैं अपना लॉजिकल फॉर्मूला, यहाँ पे हमारे लॉजिक फॉर्मूला टैब में लॉजिकल फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो इफ का फॉर्मूला होता है। इफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, मान लीजिए इफ लगाया, देखिए एक हमारे पास फीचर होता है इसमें फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट, बताऊंगा हाई दबाया इफ मेरा अगर हाईलाइटेड है तो टैब दबाऊंगा ये अपना ब्रैकेट ओपन तक खुल जाएगा अपने आप। ठीक है जी, देन इसका पार्ट क्या कह रहा है, ये स्क्रीन कितना है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। ये कह रहा है कि पहले में लॉजिकल टेस्ट होगा, लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, जो कंडीशन हम इसमें प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रू फॉल्स में रिटर्न करती है। ठीक है जी, लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए कैलकुलेशन करिए वो ट्रू फॉल्स, इसको लॉजिकल टेस्ट चाहिए होता है, या तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ जाए। ठीक है जी, मैं इसका लिंक भी दे सकता हूँ या यहीं पे कंडीशन लग जाती है, क्या ये ग्रेटर देन है इससे, इस तरह से भी कंडीशन। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, कॉमा लगाना होता है मुझे नेक्स्ट वैल्यू टाइप करने के लिए, तो मैंने कॉमा डाला, इसके बाद आपका ये हाईलाइटेड होता चलेगा जिसपे आप होंगे। तो वैल्यू ऑफ ट्रू में वो चीज आती है जो अगर इसमें इस कंडीशन में ट्रू आए तो क्या देना है और यहाँ पे फॉल्स आए तो क्या देना है, इस तरह से। तो अगर ट्रू आए तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे ग्रेटर, और फॉल्स आए तो क्या लिखना है नॉट ग्रेटर। तो टेक्स्ट में दे रहा हूं तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ही देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो अभी दिखा रहा है नॉट ग्रेटर, मान लीजिए ग्रेटर मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है ग्रेटर। ठीक है जी, समझ गए किस तरह से होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके बाद भी हमारे पास दो और ऑपरेटर है, इसके लिए कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, और उनका हुआ इंटरव्यू, मान लीजिए तीन चार राउंड हो गए उनके, तो तीन राउंड हो गए और जिन्होंने यस टू में। ठीक है जी,
चाहता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट आए वो फॉर्मूला से आए, और वो ये आए कि अगर जो कैंडिडेट है वो तीनों इंटरव्यू में पास है, यानी कि यस मिला है उसे, अदरवाइज ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे? इफ का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसमें, है जी। मान लीजिए अगर मैं लगा भी दूँ तो कैसे लगेगा? If, तो चेक करेंगे ये इक्वल टू वाई है, ठीक है जी। ट्रू में अगर ये वाई है तो हमें क्या करना है? तीनों चेक करना है, तीनों में वाई होना चाहिए। तो इसके ट्रू के पार्ट में ही हम करेंगे एक और इफ दे देंगे। अब इसमें भी लॉजिकल टेस्ट कर देंगे, क्या ये इक्वल टू वाई है? और अगर ये सही आता है तो चेक करना है क्या ये, क्या ये वाला इक्वल टू वाई है? ठीक है जी, वो वाली कंडीशन में चलता चला गया। अगर यहाँ तक वाई आ गया तो मैं वैल्यू ट्रू में बैठना है सिलेक्टेड, फॉल्स में रहना है डिटेक्टेड। अभी तक क्या हुआ कि एक फॉर्मूला पूरा हुआ इसके, अभी ये वाला एक बाकी करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कितना आपने काम कर दिया। हमने कह दिया लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू दिया, वैल्यू फॉल्स अभी नहीं आ रहा, तो हमने कह देना कॉमा लगा के वैल्यू फॉल्स, अगर उसमें न्यू मिल जाता तो क्या करना है? यहाँ रिजेक्टेड। ये फॉर्मूला कम्प्लीट हो गया। अब फाइनली बाहर वाले फॉर्मूला को कंप्लीट करके देना है, अगर नो आए तो मतलब फॉल्स आए तो ब्रैकेट को, ये हमारा फॉर्मूला करेंगे। आपने देखा कि मैंने जितनी आसानी से लगाया उतनी आसानी से लगाया नहीं जाता, ठीक है जी। अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, इसका कोई वे नहीं है। हाँ ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो गया। तो हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो बेसिकली क्या चाहिए हमें? इन तीनों कंडीशन में क्या चाहिए? ट्रू चाहिए, ठीक है जी। क्या मेरे पास कोई ऐसा मेथड है कि जब तीनों में ट्रू आए तभी वो ट्रू दे तो मेरा काम हो जाएगा? तो है, तुम तीनों को सिलेक्ट करके भी तो फिर लगा सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास, एंड का फॉर्मूला। एंड के फॉर्मूला में आप क्या देते हैं? लॉजिकल टेस्ट देते हैं, तीनों पे लॉजिकल टेस्ट देते हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ एंड के फॉर्मूला में कितने भी लॉजिकल टेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। वो जगह मैंने चेक करा लिया कि की गाई है। अब ये वो क्या रिटर्न करेगा देख लीजिए, जहाँ मैंने मेरे पास सिलेक्टेड था वहीं ट्रू लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि जब कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तब एंड का फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? एक इसका फॉर्मूला लगा के इसका लिंक ले सकते हैं, यहाँ से ले लिया, और यहाँ पे अगर ट्रू हो तो क्या दिखाना है? सिलेक्टेड, अदरवाइज हो गया। इसमें तो कुछ करने नहीं पड़ा। हाँ जी, फॉर्मूला को कंबाइन कर लेते, कंबाइन फॉर्मूला कैसे करेंगे? अभी जैसे हम लोग दो में नहीं थी, कैसे ये फॉर्मूला तो दो में क्या करना पड़ेगा? यानी कि यहाँ पे जो ये लिंक है इसकी जगह मुझे वो फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो इजीएस्ट क्या है? यहाँ से आप इक्वल टू से पहले तक का और यहाँ पे जाके जो आपने जैसे इसका एड्रेस है F50 यहाँ दे रखा है, यानी कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने इसको इसकी जरूरत नहीं, बड़ा फॉर्मूला हो गया रिजल्ट। अब फॉर्मूला मूवमेंट की बात करता हूँ, फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लगाया मुझे चाहिए यहाँ पे रिजल्ट, फॉर्मूला मूव करना भी एक ट्रिक है अपने आप में। आप इसको अगर कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? जैसे ही मैं करूंगा तो इसकी पहली वाली कंडीशन की रेंज कहाँ जा रही है?
पकड़ लिया, मुझे पकड़ना नहीं था। यहाँ से आगे शिफ्ट हो गया ना, लेडीज ड्राइविंग वाला रूल इससे अप्लाई हो गया कि आगे तो इसमें क्या करना है, जब भी आप फॉर्मूला मूव करना है आपको तो कंट्रोल एक्स करके करना है, यानी कट करके करो। अंदर से जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अंदर से करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाए। और एक चीज बता दो, इसमें आपको पता कैसे करना है कि कौन सी कंडीशन या कौन सी कंडीशन क्या कर रही है, जैसे लॉजिकल वन क्या है, मैं इसे ना इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करूंगा तो भी सिलेक्ट हो जाता है, वैसे मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके अपने F9 दबाऊंगा तो इसका रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है जी। और तीन जगह जब ट्रू फॉल्स ट्रू नहीं है तो एंड का फॉर्मूला क्या रिटर्न करेगा, और जरा इस तरह से जब आप चेक कर रहे हैं एस्केप के बाहर आएंगे लॉस्ट हो जाएंगे, एस्केप करके बाहर आएंगे फॉर्मूला बचा रहे। दूसरा तरीका है करने का, फॉर्मूला में ही इवेल्युएट फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इवेल्युएट फॉर्मूला है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला इवेल्युएट में क्या किया वाई, उसको पहले वाले रेफरेंस पे वाई 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 इक्वल टू वाई ट्रू आ गया, देन फिर इवेल्युएट बटन दबाया तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। मैंने क्या दिया, ठीक है जी। रीस्टार्ट कर सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं कि क्या क्या इसका स्टेप क्या क्या चले, फॉर्मूला को कभी कभी मॉडल लग जाए, बड़ा फॉर्मूला लगा दें तो उसको कैसे डील करना है इस तरीके से, ठीक है जी। मैंने अभी अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए यही बंदे गए राशन कार्ड बनवाने, ठीक है जी। अब राशन कार्ड में उन्होंने कहा या तो आप वोटर आई मतलब बैंक अकाउंट खुलवाने गए तो इनसे ये एक वोट तो भी चलेगा। अब मेरे सामने कंडीशन क्या है, इस तरह से मैंने फिल कर दिया कि इस पे वोटर आई डी भी है पैन कार्ड भी है, मुझे चाहिए किसी एक में एटलीस्ट एक तो होनी है ना। तो इसके लिए अगर मैं इनका फॉर्मूला लगाने तो वो बहुत बड़ा होगा, उसको लगाते हुए मैं डायरेक्ट करके आता हूँ। और का फॉर्मूला क्या करता है, ये भी एक्ट के फॉर्मूला की तरह डिजिटल ट्रायल और का फॉर्मूला क्या करता है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू और क्या रिटर्न कर देगा, नहीं मिला सिर्फ वही फॉल्स भेजा, बाकी सब फॉर्मूला लगा के ट्रू फॉल्स से ले लिया, ओके नॉट ओके। फॉर्मूला बनाना है तो इक्वल टू से पहले कॉपी करना है, फिर यहाँ जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। बट एक और मेथड है इसका, मान लीजिए ये A24 किसी आपके फॉर्मूला में बार बार रिपीट, तो आपको उसी जगह यही फॉर्मूला बार बार पेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी,
तो सिंपल तरीका क्या है कि कंट्रोल जैसे इसमें लिंक था ये रिप्लेस करना है इस फॉर्म में, रिप्लेस कर दिया मैंने तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काम हो चुका है जहां भी इस फॉर्मूले में E24 मैंने ठीक है तो ये भी तरीका आजमा सकते हैं फिर इसको अरे डॉलर का यूज पता है आपको डॉलर क्यों लगाते हैं डॉलर क्यों लगाते हैं हाँ जैसे B24 में मैं कई बार डॉलर लगा हुआ डॉलर क्यों लगाते हैं आपको पता चल जाए कि वैल्यू जो है वो किस में डॉलर में है या कौन सी करेंसी में जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं तो ये भी रुपया दे रहा हूँ कई बार मैं इसके आगे डॉलर पता नहीं मुझे नहीं इसकी कोई नॉलेज नहीं तो ये इसको तो पता है कि आपको इस पर A1 का ऊपर A1 B1 जितने कहते हैं जैसे ये हाँ ये सेल है तो सी कॉलम में 8 करोड़ में है तो उसका नाम जो है सी है जब मुझे इसकी वैल्यू कहीं भी चाहिए तो मुझे इक्वल टू सी 8 लिखना पड़ेगा डॉलर क्यों मैंने इक्वल टू दबाया और पहली वैल्यू ये सी ड्रैग कर रहा हूँ क्या है कि वैल्यू नीचे आया आगे बढ़ा ठीक है जिस तरह से किया जो आपको दिख रहा है बट इसके फॉर्मूला है तो क्या होता है जब मैंने इसे नीचे ड्रैग किया तो A14 का A15 में बदल गया A16 में बदल गया मतलब एक एक रो में इंक्रीमेंट होता रहा है रो बढ़ती और जब मैंने इस साइड में खींचा तो इसमें क्या हुआ कॉलम बढ़ती है A14 की जगह B14 हो गया C14 हो गया तो रो ना ड्रैग जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट चाहता हूँ कि 15 ना बने ये 15 ना बने ठीक है जी तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें सिंपल सा फंडा है जिसको लॉक करना है आपने उसके आगे डॉलर जैसे जिसको लॉक करना है मतलब रो को बढ़ने से रोकना है तो रो से रोकना सिंपल अपने लिए क्या है यहाँ पे 14 के आगे मैंने डॉलर लगा दिया अब मैं इसको यहाँ इधर तीन तो ये क्या है मुझे रिपीट दिखा रहा है का B14 हो रहा है C14 हुआ D14 हुआ और जब मैं इसको रिपोर्ट हुआ तो इससे कोई क्योंकि वो को मैंने लॉक कर दिया ठीक है ये चीज क्लियर ठीक है जी ठीक है सर अब देखते हैं कि मैं चाहता हूँ कॉलम लॉक कर रहे हैं कॉलम लॉक करने अभी मैंने रो को मैं ए पे अगर डॉलर लगाया रुक जाएगा मतलब मैं चाहे ये सब तो हो और जब मैं इसको राइट में ड्रैग करता हूँ यही रहता है मतलब कॉलम नहीं हिलता वहाँ कॉलम फिक्स हो जाए ठीक है अब एक ले लेते हैं दोनों फिक्स मतलब जो वैल्यू ले रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे इसमें रो दोनों के आगे डॉलर लगा देंगे यहाँ पे भी
यहाँ पे तो होगा कि आप चाहे ट्रैक करें चाहे नहीं होगा वैल्यू किसी लॉक को किसी लॉक को मोड एक में हाथ से मैनुअली लगा सकता हूँ और दूसरा दबा सकता हूँ एक्सपोर को बार बार प्रेस करेंगे तो कलर के अलग अलग मोड आपको दिखाई देंगे पिछली बार करेंगे तो कलर दोनों लॉक हो जाएंगे पिछली बार करेंगे तो खाली रो लॉक होगी पिछली बार करेंगे तो लॉक होगी चौथी बार करेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा फिर दबाएंगे क्लियर है मैम हाँ जी सर इसी तरह से जब आपको एक रेंज लेनी होती है जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ अभी मैंने क्या किया E15 से E20 E15 से E20 तो ये जो कॉलन का साइन है इसका मतलब होता है कि आपने 15 से लेकर 20 तक जैसा कि इसमें ठीक है इसका मतलब होता है अभी इसमें इकट्ठे ब्लॉक करना है मुझे इसको ड्रैग करूं तो इधर उधर ना भागे क्या करना पड़ेगा इसको सिलेक्ट करके इकट्ठे ही करना है अब इसको ड्रैग करेंगे मतलब आपकी रेंज वही की नहीं रहेगी तो रेंज नहीं वगैरह में करते हैं हम डेटा तो सेम रहता है बाकी वैल्यू बदलती रहती है ये आपका था फॉर्मूला लॉजिकल फॉर्मूला एक और चीज बता देता हूँ लॉजिकल में हमारे पास सारे फॉर्मूले पड़े का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है नॉट का फॉर्मूला क्या है नॉट का फॉर्मूला किसी भी कंडीशन को कंडीशन दे दी मैंने नॉट के अंदर मैंने कहा क्या ये है दिखाई फॉल्स उसी तरह से फॉर्मूला है इतना समझ ट्रू को फॉल्स में कर देगा फॉल्स को ट्रू में कर देगा और जो फॉर्मूले है इसमें ट्रू का फॉर्मूला ट्रू ही रिटर्न करता है फॉल्स का फॉर्मूला फॉल्स ही रिटर्न करता है ये फिर कहाँ यूज होते हैं ऐसे ये जो नॉट का जो है वो कहाँ फॉर्मूला यूज होता है नॉट का फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला पढ़ाता है पढ़ाता हाँ जी तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है फॉर्मेट तभी करता है जब वैल्यू ट्रू हो ठीक है हम ये कंडीशन फॉल्स पे आपको कलर कराना है उस कंडीशन को उठाकर नॉट के ओके ओके बाकी एक फॉर्मूला बचा है जो कि वीलुकअप में काम आता है हमारे जैसे कि अपने पास कोई एरर आ रही है क्या करता हूँ 20 डिवाइड हमारे पास चलने वाली एरर आती है कोई फॉर्मूला टाइप नेम वाली एरर आती है डिफरेंट डिफरेंट एरर आती है तो आपका अगर कोड है आपका एरर और दिखाए एरर ना दिखाए का फंक्शन एरर में क्या होता है आपको डालना होता है या कोई फॉर्मूला है इसमें जिसके थ्रू एरर आए उसका फॉर्मूला इसमें पड़ेगा ठीक है या लिंक भी पड़ेगा हमने कस्टम कर दे सकते हैं या फिर हम ब्लैंक देने के लिए क्या करना पड़ता है डबल इनवर्टेड एरर है तो ब्लैंक अगर तो ये वैल्यू दिखाए बट एरर हुई तो ब्लैक ठीक है लॉजिकल फॉर्मूला फॉर्मूला इंट्रोडक्शन हो गया ठीक है कल मिलते हैं।
ठीक है सर। कौन सा है? कल तो सैटरडे, मतलब कल परसों छुट्टी। हाँ जी कल तो होगा।